बात अंदाज बेखौफ जुबान मेवात आज तक। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। आज से बेंगलुरु में एशिया का सबसे बड़ा एरो इंडिया शो की शुरुआत हो चुकी है। ये कार्यक्रम 5 फरवरी तक चलेगा और इस कार्यक्रम में भारत की ताकत का प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम में भारतीय नौसेना Su-30 MKI फाइटर जेट को भी दर्शाया गया। ये फाइटर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एयर लॉन्च्ड वर्जन है। वायुसेना का ये स्क्वाड्रन इन मिसाइलों से लैस है, जो 400 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर लक्ष्य को मार सकता है। बता दें कि यहाँ राफेल नजर आएगा, तो इस बार नजर देसी लड़ाकू विमान तेजस पर भी होगी। एरो इंडिया में सारंग हेलीकॉप्टर और सूर्य किरण प्लेन को हवाई कर्तव्य करते देखना रोमांचकारी अनुभव होगा। केंद्र सरकार ने आज यानी बुधवार को वायुसेना के लिए सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 83 तेजस हल्के लड़ाकू विमान खरीदने का सौदा किया। रक्षा मंत्रालय द्वारा 83 LCA तेजस लड़ाकू विमानों का अनुबंध बेंगलुरु में एरो शो के दौरान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को सौंपा गया है। यह सौदा 48,000 करोड़ रुपये का है। बेंगलुरु के एरो इंडिया एयर शो के दौरान अनुबंध पर हस्ताक्षर के समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वायुसेना के शीर्ष अधिकारी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को भारतीय वायुसेना के 83 नए स्वदेशी लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट LCA तेजस बनाने के ऑर्डर मिले हैं। यह अब तक का सबसे बड़ा मेक इन इंडिया रक्षा अनुबंध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडल की समिति CCS ने घरेलू रक्षा खरीद के तहत करीब 48,000 करोड़ रुपए की लागत से 83 तेजस विमान खरीदने को 13 जनवरी को मंजूरी प्रदान की थी। इसके तहत 73 हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस MK1 ए विमान और 10 तेजस MK1 प्रशिक्षण विमान शामिल हैं। जस MK1 ए विमान में खास तरह के AESA रडार, मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तकनीक और हवा में ईंधन भरने की क्षमता AAR से लैस है। HAL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक R माधवन ने पिछले महीने कहा था कि वायुसेना को तेजस हल्के लड़ाकू विमान को आपूर्ति मार्च 2024 से शुरू हो जाएगी और कुल 83 विमानों की आपूर्ति होने तक हर वर्ष करीब 16 विमानों की आपूर्ति की जाएगी। वहीं HAL के अध्यक्ष माधवन ने कहा कि 4.5 PD के एक लड़ाकू तेजस विमान की कीमत 309 करोड़ रुपए होगी, जबकि इसके प्रशिक्षण देने वाले संस्करण की कीमत 280 करोड़ रुपए होगी। माधवन ने कहा कि सभी 83 तेजस विमानों का आधार मूल्य 25,000 करोड़ होगा, जबकि 11,000 करोड़ रुपए ग्राउंड सपोर्ट और आधारभूत ढांचे पर खर्च होंगे। GST और सीमा शुल्क 7,000 करोड़ होगा। इसके अलावा 2,500 करोड़ रुपए डिजाइन और विकास करने वाले एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA को दिए जाएंगे। नमस्कार, इस अंक में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे, तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ। प्यारे दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। दोस्तों, फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।